नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। बिहार में पटना साहिब से लोकसभा सीट पर भाजपा के दिग्गज नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को टिकट मिलने के बाद खुशी की लहर छा गया। इसके बाद समर्थकों ने रविशंकर प्रसाद के इस ऐलान के बाद मिठाई खाए और एक दूसरे को भी खिलाए। साथ ही रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद के खूब नारे लगे। पहले आप खुद देखें रविशंकर प्रसाद के समर्थक के इस उत्साह को। रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटना का गौरव रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो रविशंकर प्रसाद जैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो रविशंकर प्रसाद जैसा हो। तो आपने देखा कि कैसे उत्साहित है रविशंकर प्रसाद के तमाम समर्थक। हालांकि रविशंकर प्रसाद के नाम का ऐलान के बाद एनडीए के कुछ समर्थक नाराज भी हैं। उनकी मांग है कि पटना साहिब से आरके सिन्हा को उम्मीदवार बनाया जाए और अलग अलग एनडीए के कुछ समर्थन वाले संगठन से लेकर आम समर्थक इस निर्णय पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। पर बीजेपी आलाकमान ने तो रविशंकर प्रसाद पर भरोसा जताया है और इस बार का चुनाव में एनडीए के तरफ से पटना साहिब के लिए रविशंकर प्रसाद के नामों का ऐलान कर दिया। उनके आवास पर सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे और उनकी मां को मिठाई खिलाया। साथ ही रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद के खूब नारे भी लगाए। उसके बाद पूर्व मंत्री ठाकुर प्रसाद की पत्नी एवं रविशंकर प्रसाद की माता बीमला प्रसाद ने कहा कि रविशंकर बहुत कर्मठ एवं मेहनती हैं। उनको पटना साहिब से टिकट मिला है तो उनकी जीत तय है। मैं आशीर्वाद देती हूं पटना साहिब से उनकी जीत हो। पहले आप खुद ही सुन लीजिए कि रविशंकर प्रसाद की माता ने क्या कहा। हम पटना साहिब से, वो उसमें बहुत माहिर और माहिर है, इसलिए काम करते हैं और अपनी क्षमता रखते हैं, सब कुछ है। लेकिन त्याग बहुत है, तपस्या बहुत है, शुरू से ही बहुत करते रहे। तो आपने सुना कि रविशंकर प्रसाद की माता ने क्या कहा। उनकी माता का अपने बेटे के प्रति विश्वास कितना है। दरअसल पटना साहिब से बीजेपी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा बतौर बीजेपी सांसद 2014 में बड़े अंतर से चुनाव जीते थे और पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के बागी नेता बन गए थे। तो इस बार बीजेपी के आलाकमान ने उन्हें और उनकी बगावत को दरकिनार करते हुए टिकट नहीं दिया। अब आलम यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा आरजेडी के सिंबल पर इस बार का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी के लिए यह एक बड़ा सवाल था कि आखिर पटना साहिब से एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, वहीं दूसरी ओर समर्थकों की मांग दो भागों में बटी हुई थी। लेकिन बीजेपी के तरफ से पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद के नाम का ऐलान हो चुका है। एनडीए के तरफ से बतौर प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ही चुनाव लड़ेंगे। तो इस खबर में बस इतना ही। और अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें citypostlive.com। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार।